प्रधानमंत्री द्वारा प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल जब प्रयागराज पहुंची तो भव्य स्वागत किया गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही दूसरे दिन फ्लेम को सबसे पहले तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर एन एस परिहार के घर विजय मशाल यात्रा पहुंची, जहां रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार को विजय यात्रा मशाल मेजर धनंजय सिंह ने सौंपी। इस मौके पर 1971 की उस लड़ाई को याद कर डॉक्टर दिनेश परिहार की आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की अगुवाई में पाकिस्तान के साथ ये लड़ाई मात्र 14 दिन में ही समाप्त हो गई और पाकिस्तान के सैनिक ने भारतीय सेना के सामने समर्पण की, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारत की रणनीति कामयाब हो। उस दौरान बहुत से भारतीय सेना के नौजवानों ने जान की बाजी लगाई। मशाल को देख डॉक्टर परिहार की याद एक बार फिर से ताजा हो गई। इसके बाद फिल्म को इलाहाबाद हाई कोर्ट लाया गया। यहां चीफ जस्टिस ने मशाल को रिसीव की और श्रद्धांजलि दी। विजय मशाल को जीओसी मध्य भारत लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन सेना मेडल वरिष्ठ सेवा मेडल चीफ जस्टिस को सौंपी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर परिचर्चा हुई, जिसके बाद शाम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में विजय मशाल लाया गया, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मशाल को रिसीव किया। मशाल का प्रोग्राम हुआ है सर, ये प्रोग्राम कहां कहां हुआ है और इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? ये जो स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 इंडो पाक वॉर का जो हम मना रहे हैं, इसको सिंबलाइज करते हुए जो स्वर्णिम विजय वर्ष की जो विजय ज्योति जो आज प्रयागराज में आई है, ऐसे ही तीन और ज्योतियां अमर जवान ज्योति से पिछले साल 16 दिसंबर को निकले। वो देश के हर कोने कोने पर जाएंगे और इस साल 16 दिसंबर को फिर अमर जवान ज्योति में एकत्रित होंगे। जो इन ये मशाल जो प्रयागराज में आज आए हैं, इसका मेन मुद्दा यही है कि 1971 में जो ऐतिहासिक और शानदार जीत भारत को जो प्राप्त हुआ, उस जीत का संदेश वो किस तरीके से प्राप्त हुआ, किस तरीके से पूरी देश एकत्रित होकर लड़ने पर जो विक्ट्री प्राप्त हुआ, उसके बारे में जो नई पीढ़ी को बताना है, जिनमें से काफ़ी लोग इस लड़ाई के बाद ही जिनका जन्म हुआ होगा। मैं खुद 6 साल का बच्चा था 1971 में। तो हम सबको एक प्रेरणा देने के लिए, ऐसे एक शानदार जीत जो देश ने हासिल किया उसके बारे में बताने के लिए, ताकि इस प्रेरणा को हम आगे लेकर जाएं और ऐसे ही हर परिस्थिति में देश के काम आए हम सब, वो एक इस समारोह का एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो वेटरन्स जिन्होंने 1971 लड़ाई में आर्मी नेवी और एयरफोर्स की जिन्होंने भाग लिया, उन सबको सम्मान देने के लिए देना भी है, वो भी एक उद्देश्य है। इस मुद्दे से अगर देखा जाए, आज जो प्रयागराज में जो समारोह हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं, और ख़ास करके जो आज सुबह यहाँ पे जो वेटरन्स रह रहे हैं उनके घरों में ये मशाल गया था, उनको सम्मान दिया गया था। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशियरी की तरफ से हाई कोर्ट में इस मशाल को रिसीव किया और वहाँ इसका बिल्कुल सम्मानित रूप में समारोह के आयोजन किया गया था। और अभी शाम को इस विजयनगरा हॉल के सामने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, ये तो आप सब ने देख ही लिया है कि कितनी सम्मानित और उत्साहपूर्व था। और जो बच्चे इन प्रोग्राम को देखे हैं, उन सबको मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल उनका जो 1971 वॉर के बारे में जो नॉलेज है और जो जोश है, वो सब काफ़ी गुना बढ़ गया होगा।